हम चुप ना बैठेंगे, देख के अपनी बर्बादी हर रंग से लिख के जाएंगे, रंगे आजादी, 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 रंगे आजादी। स्टूडेंट एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्टूडेंट एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्टूडेंट एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्टूडेंट एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्टूडेंट एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कौन सा जोश? How's the जोश? साथियों, हमें अपना जोश ही ऐसे ही बरकरार रखना होगा, अगर अपनी आवाज उन तक पहुंचानी है। और सिर्फ ये इस कॉलेज का हाल नहीं है, यहाँ के सारे कॉलेजेस में यही हो रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या किसी गरीब के बच्चे का एडमिशन इस बड़े कॉलेज में नहीं हो सकता? सिर्फ जो करप्शन में युक्त है, जो इनको पैसा देगा, उसी का एडमिशन होगा। ये लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं तो ऑलरेडी पास आउट हूँ, मुझे इस कॉलेज से क्या लेना देना। मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं भी एक गरीब का बच्चा हूँ, इसी लड़ाई मेरी है, ये परिवार मेरा है। हमारे चीफ मिनिस्टर सर ने कहा है कॉलेज प्रशासन के एडमिशन पे इंक्वायरी बैठा दी, लेकिन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, ये इंक्वायरी करेगा कौन? वो जो ऑलरेडी करप्ट है? ये दिखावा नहीं चलेगा। स्टूडेंट एकता, स्टूडेंट एकता। आज 10 दिन हो गए हैं स्टूडेंट के इस प्रोटेस्ट को, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। कि अगले सिर्फ 2 दिन में मैं इनके सारे काले चिट्ठे खोलने वाला हूँ, इनकी सारी सच्चाई एक एक करके पूरा सामने आ जाएगा। तो बताइए, खोल दिया जाए काला चिट्ठा? स्टूडेंट एकता, जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्टूडेंट एकता, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्टूडेंट एकता, जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्टूडेंट एकता, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्टूडेंट एकता, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्टूडेंट एकता, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्टूडेंट एकता, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनाब, मरने वाले का नाम सुबोध सहाय है, स्टूडेंट लीडर था और इसके नेतृत्व में ये प्रोटेस्ट चल रहा था जब ये गनशॉट फायर हुआ। जनाब, गनशॉट फायर होते ही यहाँ पे भगदड़ मच गई, जिसे कंट्रोल करने के लिए पुलिस को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हम आपको बता दें कि सुबोध सहाय वही स्टूडेंट लीडर थे जिन्होंने हाल ही में सनसनी केस खुलासे में कॉलेज में चल रहे एडमिशन के नाम पे करप्शन को एक्सपोज किया था। साथ ही साथ आज उन्होंने ये भी दावा किया था कि उनके पास और भी एविडेंस थे जिससे कॉलेज के वो सभी लोग सामने आने वाले थे जो इस करप्शन में शामिल थे, लेकिन उसी वक्त उन पर हमला कर उनकी जान ले ली गई। आईना पब्लिकेशंस, फ्रेंड 9935012020।
स्विच ऑफ आ रहा है। अग्नि साहब इस नंबर का पता करिए। सुबोध भैया ने जब से स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी तब से ही लोग उनके खिलाफ होने लगे थे, और जिस कॉलेज के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे थे उसी कॉलेज का स्टूडेंट यूनियन लीडर आदित्य त्रिपाठी। तुम सब तो यहाँ के एक स्टूडेंट्स हो ना, तो यहाँ क्यों मंडराते रहते, कोई काम धाम नहीं है क्या? चल हाथ कैसे लगा रहे हैं? रुको रुको, तुम सब हम जा रहे हैं। एक मिनट, हम कुछ गलत नहीं कर रहे। तुम्हारे और हमारे जैसे ही स्टूडेंट के भविष्य के लिए लड़ाई हमारी। लड़ाई झगड़े में क्या रखा है, आओ ना प्यार मोहब्बत की बातें करते। क्या हुआ, मूड नहीं है क्या? अच्छा काम करो, मेरा ना नंबर लिख लो, जब आपका मूड होगा ना तब आना मुझे फोन करके। अभी निकलो चलो। सुबोध भैया ये प्रोटेस्ट को बहुत पीसफुली चला रहे थे और यही बात लोगों के गले के नीचे नहीं उतर रही थी, अब उन्हें कुछ तो करना ही था। आदित्य त्रिपाठी जी। हाँ सर, मैं मान तो रहा हूँ कि झगड़ा हुआ था, लेकिन उस झगड़े से पहले उस वीडियो के बारे में नहीं पता था हमें। कौन से वीडियो की बात कर रहा? सर वो स्टिंग ऑपरेशन जो सुबोध ने खुद करवाया था। एक मिनट सर। ये सर पूरा है ना, तुम निश्चिंत होके जाओ, तुम्हारे भाई का एडमिशन हो जाएगा। इस वीडियो के बाद शर्मा सर की जॉब चलेगी, तब मुझे लगा कि सुबोध जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है सर, और मुझे भी उसका साथ देना चाहिए। और इस ऑपरेशन के लिए मैं उसका साथ देने के लिए घर से निकला ही था, पर मेरी बाइक का टायर स्लिप हो गया और मैं गिर गया सर। और आसपास किसी नर्सिंग होम में पट्टी वट्टी करवा रहा था, तब मुझे पता चला कि सुबोध को गोली लग गई सर। कहाँ था वो नर्सिंग होम? एक सेकंड सर, मेरे पास पर्चा है दवाई का। ये सर। ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन दोबारा बुलाया जाए तो आ जाना तुरंत। जी जरूर सर। ये वीडियो जरा हमारी टीम को सेंड करी। जनाब वो कार्ड जो आपने दिया था जिस पे फ्रेंड नाम से कोई नंबर लिखा हुआ था सर, मैंने उसका पता किया, वो फेक आईडी से रजिस्टर्ड है। ये फोरेंसिक रिपोर्ट का क्या हुआ सर? वो कविता जी, ये रही फोरेंसिक रिपोर्ट सर। बॉडी से .32 कैलिबर के बुलेट मिली है। जनाब सेमी ऑटो पिस्टल सर, ये तो प्रोफेशनल किलर का फेवरेट वेपन है। गोली दूर से चलाई गई है तो है तो कोई प्रोफेशनल किलर ही। नकवी साहब एक काम करिए, ये हमारे एरिया के जितने भी शार्प शूटर रहे ना सबकी लिस्ट दोबारा निकलवाइए जरा। और कविता जी। जी सर। जिस जगह पे प्रोटेस्ट हो रहा था वहाँ पे और स्टूडेंट्स ने वीडियो बनाई होंगी, वो सारी वीडियो चाहिए हमें। किसी ना किसी वीडियो में तो किलर का पता चल ही जाएगा। जी सर मिल जाएगी। जनाब मुझे लगता है एक बार प्रिंसिपल आनंद शर्मा से भी पूछताछ कर लेनी चाहिए। नकवी साहब ये करप्शन स्कैम बड़ा है, इसमें कॉलेज प्रशासन, ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। बिना सबूत के हाथ डालना आसान नहीं है। मेरी नौकरी चली गई है आपके होते हुए, मैंने अकेले तो गुनाह नहीं किया था, ऊपर से सीएम साहब ने इंक्वायरी सेटअप कर दी है। इंक्वायरी? इस देश में आए दिन इंक्वायरी बैठा दी जाती है, लेकिन उस इंक्वायरी का रिजल्ट क्या होगा किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। हमारे साथ धोखा हो रहा है, एक तरफ सीएम कॉलेज करप्शन की जांच पे इंक्वायरी बैठाते हैं और दूसरी तरफ सुबोध भैया का मर्डर हो जाता है ताकि कोई सबूत सामने आ ही ना पाए। दुर्गा बिल्कुल ठीक कह रही है, ये सब कुछ प्रशासन का प्लान है हम सब स्टूडेंट के खिलाफ। अब हम सबको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा और इस लड़ाई में हम और हमारी यूनियन आप सबके साथ है। मुट्ठी बन रही है, अब हमें ऐसा कुछ करना होगा कि सारे देश की नजर हम पे टिक जाए और हम सारे प्रशासन को हिला कर रख दें। जनाब प्रोटेस्ट के दौरान स्टूडेंट्स हर तरफ से वीडियोस बना रहे थे। ये जिस आदमी ने अपना मुंह छुपाया हुआ है जनाब, ये इस तरफ से आगे बढ़ा और इसने हवा में एक फायर किया, उसके बाद ये सुबोध की तरफ बढ़ता है। लेकिन जनाब तब तक भगदड़ मच गई थी और जो स्टूडेंट ये वीडियो बना रहा था
वो तब तक निकल गया। लेकिन जनाब हमारे पास एक और वीडियो है, दिखाइए जी। ये देखिए, इस वीडियो में ये आदमी यहाँ भीड़ के बीच खड़ा है, लेकिन जनाब इसने यहाँ भी अपना मुंह छुपाया हुआ है। जनाब मुझे लगता है शायद इसे इस बात का अंदाजा था कि लोग वीडियोस बना रहे होंगे और उसका चेहरा कैमरे में आ सकता है। इसको यहीं रोके रख भैया, जूम करिए जूम। नकवी साहब, जनाब इस लड़के के आसपास तीन स्टूडेंट खड़े हैं, इनसे आके पता करिए, शायद इन्हें कुछ मालूम हो। बेहतर जनाब। ये देखिए लाइव रिपोर्टिंग हो रही है उसी कॉलेज के बाहर। आज होली का दहन का दिन है, तब भी बड़ी तादाद में स्टूडेंट यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, शायद वो कुछ संदेश देना चाहते हैं, तो आइए हम उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोविंद है। आप सब यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हैं? जो लोग हमारी आवाज दबाना चाहते हैं आज के बाद ऐसा नहीं कर पाएंगे, देश के हर कोने में क्रांति आएगी। ओ भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, ओ भैया जिंदाबाद। ये स्टूडेंट शायद कुछ करने वाले हैं। अकबी साहब आसार कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, जाने क्या है इन लोगों के दिमाग में। आज का दिन याद रखा जाएगा एक ऐसी क्रांति की शुरुआत के लिए जो उन लोगों के खिलाफ है जिन्हें हम दिखाई नहीं देते और सुनाई भी नहीं देते, क्योंकि उनके लिए तो हम मर चुके हैं, और अगर हम में से कोई जिंदा होने का सबूत देता है तो उसे मार दिया जाता है, जैसे सुबोध भैया को मार दिया गया है। वो हमें मारना ही चाहते हैं ना, तो हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम उनकी गोलियों से नहीं मरेंगे, हम ऐसे मरेंगे कि उनकी जमीन हिला सके। उनको लाशें चाहिए ना, हम देंगे अपनी लाशें। अब हम चुप ना बैठेंगे, देख के अपनी बर्बादी हर रंग से लिख के जाएंगे, रंगे आजादी, 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 रंगे आजादी। चाय लेके आई इनके लिए, पीछे चाय पीजिए। क्यों जान क्यों देना चाह रही हैं? हक की लड़ाई लड़ना चाह रही हैं ना, जिंदा रह के ही लड़ पाएंगे, मरने से कुछ नहीं मिलेगा। जो लोग इस सिस्टम के लिए नौकरी करते हैं ना, वो हमारी इस लड़ाई को बिल्कुल नहीं समझ सकते। जय हिंद सर। क्रांति लिसन, इस लड़की के खिलाफ FIR मत करना, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो भड़क सकते हैं। इसे तुम हिरासत में रखो। यस सर। और उस शूटर के बारे में कुछ पता चला? सर हमारी टीम उसकी तलाश कर रही है। We will get him soon. सर, सर एक। सर प्रोटेस्ट के दौरान जो तीन स्टूडेंट उस शूटर के आसपास बैठे थे उनमें से एक ने देखा था उसको, और उसकी हेल्प से मैंने एक स्केच रेडी कराया है। ये देखिए। अपने खबरियों को एक्टिव करिए नकवी साहब, ये स्केच पहुँचाइए उन तक। जी जनाब। कल होली है, सिचुएशन बिगड़ सकती है। नकवी साहब आप देखिए, वो शहर से बाहर नहीं जाना चाहिए, जितने भी इंपॉर्टेंट जगह हैं वो आप देखिए, बस वो हाथ से नहीं निकलना चाहिए।
और हाँ, कॉलेज में क्या हाल है? देखिए नकवी साहब, हमारे लिए चिंता का विषय सिर्फ इतना है कि किसी भी कॉलेज स्टूडेंट को चोट नहीं आनी चाहिए, खरोंच तक नहीं आनी चाहिए। हाँ हमारे, हम बस आ ही रहे हैं, आ रहे हैं। हैप्पी होली। हैप्पी होली। आप तो एकदम रेनबो लग रहे हैं। पापा की ड्यूटी है ना, तो कपड़ा खराब नहीं करना। लाओ मैं लगाता हूँ। हैप्पी होली। हैप्पी होली। अब हमारे लिए इस मुस्कान के साथ बढ़िया सी चाय बना दीजिए। ठीक। तब तक हम अपना फेस वॉश कर लेते हैं। आइए। इन रंगों को देख के भी घबराहट होती है। हमारी जिंदगी में रंग फिर कभी ना आए। एक उम्मीद बनी थी, लेकिन दुर्गा दीदी के अरेस्ट होने के बाद भी वो उम्मीद टूट गई। खत्म हो गया हमारा आंदोलन रंगे आजादी। हटिए हटिए भाई, हटिए हटिए। अब हम चुप ना बैठेंगे, देखकर अपनी बर्बादी हर रंग से लिखकर जाएंगे रंगे आजादी, रंगे आजादी। जनाब ऐसा लग रहा है कि स्टूडेंट्स के इस रंगे आजादी मोर्चे को नई चिंगारी देने के लिए इसने आत्महत्या की। देखिए जनाब, हमने उस लड़की दुर्गा को रोका जान देने से, और उसके जवाब में इस लड़की ने अपनी जान दे दी। ये खुदकुशी है ही नहीं, मर्डर हुआ इसका। जरा सोचिए, इसके हाथ में पर्चा था, अब ये हाथों में पर्चा लेकर तो मरेगी नहीं। ये हाथ पे निशान देख रहे हैं इसके, मरने से पहले किसी से हाथापाई हुई है इसकी। बाकी चीज़ें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मालूम चले। सर लेकिन स्टूडेंट्स और मीडिया समझ रहे हैं कि इस लड़की ने खुदकुशी की है। देखते हैं कल तक। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें तो ये वही लड़की है जो कल रात को प्रोटेस्ट का हिस्सा थी। स्टूडेंट की माने तो इस आत्महत्या को दंगे आजादी आंदोलन के नाम से। एक सेकंड, क्या बोल रही हैं आप? प्लीज कैमरा थोड़ा इधर घुमाइए। देखिए ये आत्महत्या अभी साबित नहीं हुआ है, अभी केस का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाएगी और रिपोर्ट आने के बाद ये तय करा जा सकता है कि ये आत्महत्या है कि मर्डर है। हमारी आपसे दरख्वास्त है, आप किसी भी तरह की ऐसी गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट देके लोगों को गुमराह ना करें। हमें पूरा विश्वास है कि सच सामने आके रहेगा। कौन सा सच सर? हम सब जानते हैं ये सब हमारा आंदोलन रोकने के लिए करा जा रहा है, लेकिन हमारा आंदोलन रुकेगा नहीं। सुबोध भैया, रज्जा अनवर, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सुबोध भैया, रज्जा अनवर, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ये क्या हो रहा है? इस प्रोटेस्ट को फिर से हवा नहीं मिलनी चाहिए। हाँ पांडे जी, क्या हो रहा है ये? दो दिनों में दूसरी मौत है ये। अरे कौन हैंडल कर रहा है इस केस को? सर, क्रांति इज बेस्ट ऑन हिज जॉब सर, ट्रस्ट मी सर। वो सिचुएशन को हैंडल कर लेगा, मुझे उस पर पूरा भरोसा है सर। पांडे जी कुछ भी कीजिए, मामला जल्दी शांत होना चाहिए। आपका शक सही था सर, इस लड़की को गला दबाकर मारा गया है और उसके बाद इसे फंदे से लटका दिया गया है। इसकी बॉडी पे कुछ निशान भी मिले हैं जो कि शायद हाथापाई के दौरान के हैं। दूसरी बात, मुझे इसके नाखून से कुछ बालों के सैंपल्स मिले हैं जो कि हाथापाई के दौरान इसके नाखून में फंस गए होंगे, और उन बालों के सैंपल से मैं उस आदमी का डीएनए रिपोर्ट तैयार कर सकती हूँ। ग्रेट, ये डीएनए रिपोर्ट हमें जल्दी मिल सकती है डॉक्टर अनुष्का? जी बिल्कुल, होली की छुट्टी तो खराब हो ही चुकी है, तो डीएनए रिपोर्ट ही तैयार कर लेती हूँ। थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी। जैन सर। क्रांति, मुझे पता है तुम काबिल अफसर हो, लेकिन मुझे ऊपर से बहुत प्रेशर है, मैं उन्हें क्या जवाब दूं बताऊं? सर हमारी पूरी टीम लगी हुई है, वी आर डूइंग आवर बेस्ट। आप बेफिक्र रहिए। जय हिंद सर। सिक्का जी, आपका भिखारियों का रैकेट बड़ा मशहूर था, बातचीत तो होती होगी अभी भी उन भिखारियों से? नहीं। बलवंत, आपका गाड़ी चोरी करने का बिजनेस भी बड़ा फेमस था उस वक्त, शहर के छुपने छुपाने के गली कूचों से तो वाकिफ हो गए अब भी। श्रीदेवी जी, आपका तो बहुत बड़ा नेटवर्क था, बहुत सारे इन्फॉर्मर थे आपके पास, और सुना है आज भी मार्केट में हैं वो इन्फॉर्मर्स। देखिए बात को घुमा फिरा के कहने में कोई फायदा नहीं।
सीधा सीधा मुद्दे पे आते हैं। नकवी साहब, जनाब, इसको देखिए ध्यान से। नहीं जानते हैं सर हम उसको। अरे भाई, पहचानने और नहीं पहचानने की बात नहीं हो रही, बात सिर्फ इतनी है कि हमें ये शख्स चाहिए सूरज डूबने से पहले, और अगर ये नहीं मिला ना तो एक एक करके सबकी फाइलें खुलेंगी। सूरज डूबने से पहले। रजिया आलम तुम्हारी साथी थी ना, जान चली गई उसकी। बलिदान दिया होगा सर उसने। किस बात का बलिदान? अरे मर्डर हुआ है उसका, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है हमारे पास। तुम लोगों की इस रंगे आजादी की आड़ में ही मर्डर हुआ है उसका। सर ऐसी झूठी रिपोर्ट तो तब भी बनती थी जब अंग्रेज हमारे ऊपर राज करते थे, और अब भी बनती है सर। बस फर्क इतना है कि अंग्रेज हमारे शहीदों की हत्या को आत्महत्या बताते थे, और आप लोग हमारी आत्महत्या को हत्या। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम आपको समझाएं कैसे। अगर हो सकता है तो हम पर विश्वास कीजिए, कॉलेज के स्टूडेंट्स की जान खतरे में, मारा जा रहा है उन्हें। हाँ जी बोलिए सर। प्रोटेस्ट फुल जोरों पे है। कानून को अपने हाथ में दीजिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए, आप लोग पीछे हटिए। हाँ आ रहे हैं। देखिए दुर्गा जी, बाहर कॉलेज के स्टूडेंट्स हंगामा कर रहे हैं, पुलिस और सिक्योरिटी वालों के पास गन्स हैं, बंदूकें हैं। हम नहीं चाहते कि किसी तरह का वायलेंस हो, स्टूडेंट्स की जान खतरे में है, आप उन्हें बचा सकती हैं। चलिए हमारे साथ। सर स्टूडेंट की जान खतरे में नहीं है, बल्कि उनकी कुर्सी खतरे में है जो हमारी जान की परवाह नहीं करते। ये स्टूडेंट तो अब किसी के बोलने से नहीं रुकेंगे, मेरे बोलने से भी नहीं। रंगे आजादी, 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 रंगे आजादी। आप लोगों को लगता है अगर ये नारा लगाने से आप लोगों की समस्या का हल निकल आएगा, तो हम भी हैं आपके साथ, हम भी लगाएंगे आपके साथ नारे। लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है, किसी भी समस्या का हल नहीं निकलेगा, बल्कि पुलिस वालों को मजबूरन बस आप लोगों पे आंसू गैस छोड़ना पड़ेगा। भगदड़ मचेगी यहाँ पे, चोटें लगेंगी आपको। हम लोग यहाँ पे किसी भी तरह का वायलेंस नहीं चाहते। आप लोगों की साथी रजिया अनवर, क्या लगता है आप लोगों को, आत्महत्या की थी उसने? गलत, हत्या हुई थी उसकी। हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, मर्डर हुआ था उसका। हमारा भी एक बेटा है, कल को वो भी आप लोगों की तरह ऐसे ही कॉलेज में पढ़ेगा। हमें उसके भविष्य की चिंता है, इसलिए हम अन्याय के खिलाफ हैं, करप्शन के खिलाफ हैं, और हिंसा के भी खिलाफ हैं। मेरी आप सभी लोगों से दरख्वास्त है, आप यहां से प्लीज अपने घर चले जाइए। विरोध करना आप सबका हक है, लेकिन विरोध होश में होना चाहिए, जोश में नहीं। सर, होली की छुट्टी की वजह से कॉलेज में कोई भी नहीं था सिवाय एक गार्ड के, और वो भी नशे में पूरी तरीके से धुत है। लेकिन जनाब एक बात समझ में नहीं आई, प्रिंसिपल का केबिन खुला हुआ है और वहाँ जो सीसीटीवी कंट्रोल सिस्टम है वो बंद। जनाब मुझे लगता है सीसीटीवी कंट्रोल सिस्टम जानबूझ के डिसार्म किया गया है। नकवी साहब, सीसीटीवी का डिसार्म होना इस बात को सीधा सीधा संकेत दे रहा है कि ये आत्महत्या नहीं थी, इस लड़के को यही मार के नीचे फेंका गया है, मर्डर हुआ। कॉलेज के प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करें। कविता जी, कॉलेज के प्रिंसिपल तो रेस्टिकेट हो चुके हैं। हाँ, लेकिन उनकी जगह वाइस चांसलर विजय शुक्ला हैं आजकल बैठे हुए हैं। हाँ, मैं कॉलेज गया था, प्रिंसिपल के जाने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन मैं ही देख रहा हूँ कॉलेज का। आप होली नहीं खेलते? मेरा मतलब होली का त्यौहार है, छुट्टी होती है, और आप कॉलेज में। तो होली के दिन कॉलेज जाना क्राइम है क्या? छुट्टी का दिन था, मुझे कुछ काम था, चेक साइन कर लेते।
इस घटना के बारे में कैसे मालूम चला आप? मैं प्रिंसिपल के रूम में बैठा हुआ था जब स्टूडेंट्स गेट पर जमा होने लगे। मुझे सिचुएशन कुछ ठीक नहीं लगी तो पीछे के दरवाजे से निकल गया था। फिर तो सीसीटीवी कंट्रोल बॉक्स गलती से स्विच ऑफ हो गया होगा, नहीं? जिसकी वजह से वो आदमी हमारे हाथ नहीं आ सका जिसने गोविंद का मर्डर किया था। मर्डर? वो तो छत से कूदा था। कूद के नहीं, मार के फेंका गया था, लेकिन किसके कहने पे? कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे हैं कि उस स्टूडेंट का मर्डर मैंने करवाया? अभी हमने कहा तो नहीं। ये बताइए, मैं ये क्यों करूंगा ऐसा? इससे तो स्टूडेंट आंदोलन और जोर पकड़ेगा। कॉलेज के बाद कहां गए थे आप? वहां से मैं अपने रिलेटिव्स के घर गया था। आप चाहे तो हमारे ड्राइवर या उस बिल्डिंग के वॉचमैन से वेरीफाई कर सकते हैं। जरूर करेंगे सर, वेरीफाई भी करेंगे। बस एक बार वो आदमी हाथ लग जाए तो स्टूडेंट्स का मर्डर करके सुसाइड का भ्रम फैला रहा है। नमस्कार। यस सर। शुक्ला तुम इस्तीफा दे दो। लेकिन सर बात समझा करो शुक्ला, मामला तूल पकड़ लिया है। तुम्हारे इस्तीफा देने से मामला शांत हो सकता है। तुम घबराते क्यों? तुम्हें और प्रिंसिपल को मैं साफ निकाल लूंगा, घबराओ नहीं। फिलहाल तुम इस्तीफा दे दो। जनाब लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि इन स्टूडेंट्स को मार के आकर आत्महत्या दिखाने के पीछे किसी का क्या मकसद हो सकता है और उससे क्या फायदा होगा? क्योंकि सर जो लोग सत्ता में हैं, जो सरकार में हैं, वो लोग तो यही चाहेंगे ना कि ये प्रोटेस्ट जल्द से जल्द खत्म हो। नकवी साहब आप जानते हैं हैं क्या खेल है सब। अगर लिस्ट निकाल में आया ना तो ऐसे ऐसे नाम निकलेंगे जो चाहते हैं कि स्टूडेंट्स का भी प्रोटेस्ट खत्म ही ना करें। सर डॉक्टर अनुष्का बताइए। आए डॉक्टर अनुष्का। हाँ एक मिनट एक सर। हाँ बोलिए डॉक्टर अनुष्का। सर इस लड़के को भी बिल्कुल उसी तरह मारा गया है जैसे इससे पहले उस लड़की को मारा गया था, गला घोटकर और फिर बॉडी को ऊंचाई से फेंक दिया गया है। पर सर छत से गिरने के पहले ही लड़के की मौत हो चुकी थी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। ओके सर। वही हुआ नकवी साहब जो सोचा था, गोविंद का भी मर्डर ही हुआ। वो क्या नाम था उसका, वो जो कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड था नशे में, वो कहाँ है? ए, सुनो। देखो बड़े साहब आए हैं, नाम बताओ अपना। संतोष। ए भाई सुनो, आवाज सुन रहे हो? कॉलेज में मिले किसी से आज? मिठाइयाँ बहुत अच्छी है त्रिपु भैया। त्रिपु? ए संतोष ये त्रिपु कौन है? रघुवीर साहब ये त्रिपु कहीं सुना हुआ लग रहा है। कविता जी। जी सर। वो फाइल लेके आई है जिसमें स्टेटमेंट दी थी बाकी लोगों की। मिठाई और सर। हम तो त्रिपु भैया का वेट कर रहे थे और अचानक गोली चली, हम लोग वहाँ से भाग गए। ये त्रिपु कौन है? अपोजिशन पार्टी के लीडर आदित्य त्रिपाठी। सर वो कॉलेज का लीडर आदित्य त्रिपाठी, वही है त्रिपु भैया। तब मेरी बाइक का टायर स्लिप हो गया और मैं गिर गया सर, और आसपास किसी नर्सिंग होम में पट्टी वट्टी करवा रहा था तब मुझे पता चला कि सुबोध को गोली लग गई सर। आदित्य त्रिपाठी, गौर से देखिए इसे। इस लड़के का नाम आदित्य है, ये कल आया था आपके क्लिनिक? हाँ आया था सर, शायद इसका बाइक से एक्सीडेंट हो गया था। आपने अटेंड किया था? हाँ सर मैंने ही अटेंड किया था। आदित्य यहाँ पे आया था, उसको चोट लगी थी, उसके खून निकला होगा, आपने ड्रेसिंग की। हम बस इतना जानना चाह रहे हैं कि वो यूज्ड कॉटन और ड्रेसिंग का सामान इसी डस्टबिन में अभी तक रखा होगा। हाँ सर है, पर डॉक्टर साहब दरअसल हम एक मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए आए, ये लड़का आदित्य ही हमारा सस्पेक्ट है। हम चाहते हैं कि हमें डस्टबिन फोरेंसिक डिपार्टमेंट भेजें। ऑफ कोर्स सर। नकवी साहब जनाब, अगर इसमें से कोई भी ब्लड सैंपल का डीएनए डॉक्टर अनुष्का के बताए हुए डीएनए रिपोर्ट से मिल जाता है तो इसका मतलब हमारा शक सही है। केईए कॉलेज के पीसी मिस्टर विजय शुक्ला जी जो आज हमें कुछ कहना चाहते हैं, तो चलिए हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार।
पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और जिन स्टूडेंट्स की जान चली गई उनके परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। इसलिए कॉलेज में जो कुछ हुआ उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूँ। जब तक कॉलेज प्रशासन पर लगे आरोपों का निष्पक्ष रूप से इंक्वायरी नहीं हो जाती। यस सर। हमने इस मर्डर से रिलेटेड जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया है आप उन्हें छोड़ दीजिए। ओके सर। सर, उस नर्सिंग होम से मिले ब्लड सैंपल्स में से एक का डीएनए हमें मिले बालों के सैंपल के डीएनए से मैच हो गया है। नफी साहब, ढूंढिए इस आदित्य को। अरे तुम आओ आओ बैठो। मुबारक हो, हमने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। कॉलेज प्रशासन झुक गया हमारे आगे और वीसी ने भी रिजाइन दे दिया। तुम यही रुको, मैं गिलास लेके आता हूँ। चीज़ हमारा है। चीज़। आत्महत्या तो कतई नहीं की, हुआ तो इनका मर्डर है। क्योंकि अगर आत्महत्या की होती ना तो साहब, तो जरा सोचिए, कोई औजार या किसी तरह का कोई एविडेंस तो होता है ना जिससे इन्होंने मरने की कोशिश की थी। कोई एविडेंस नहीं है यहाँ। कातिल ने बड़े शातिर तरीके से इनके हाथ नस काट के इनके शराब के नशे में होने का फायदा उठा के इनको मारा है। जनाब, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, हर मरने वाले स्टूडेंट्स पे कोई ना कोई रंग लगा होता है। जैसे सुबोध की लाश पे पर्पल कलर, उसके बाद रजिया उस पर पीला, गोविंद उस पर नीला, और अब उस पर हरा रंग। जनाब, कहीं मुझे लगता है इन रंगों का कुछ लेना देना तो नहीं है इन मर्डर्स के पीछे। बिल्कुल सही नकवी साहब, इन रंगों का ही आपस में कुछ लेना देना है। बाकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट एक बार आ जाए तो हमें मालूम चलेंगे हकीकत। आप इसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजिए। जी जनाब। और कविता जी, ये सब फोरेंसिक डिपार्टमेंट भेजिए। ओके सर। आज एक और हमारे साथी ने बलिदान दिया है, आदित्य त्रिपाठी, और हम तब तक बलिदान देते रहेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता। रंगे आजादी, रंगे आजादी, रंगे आजादी, रंगे आजादी। हर मरने वाले स्टूडेंट्स पे कोई ना कोई रंग लगा होता है। जैसे सुबोध की लाश पे पर्पल कलर, उसके बाद रजिया उस पे पीला, गोविंद उस पे नीला, और अब उस पे हरा रंग। हैप्पी होली, हैप्पी होली। आप तो एकदम रेनबो लग रहे हैं। सुबोध की लाश के पास जो विजिटिंग कार्ड मिला उस पर भी रेनबो बना था। इन परछाइयों में इंद्रधनुष का इस्तेमाल हुआ है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, बचे अब सिर्फ 3 रंग। कहीं ऐसा तो नहीं कि 3 और मर्डर होना बाकी? कोई तो है जो होली के त्योहार में रंगों का खेल खेल रहा है। कल से आज तक शहर में हो रहे घटना चक्र के बारे में हम आपको बता देना चाहते हैं कि आज होली के दिन की ये 30वीं वारदात है, एक और आत्महत्या। इस वक्त हमारा कैमरामैन प्रोटेस्ट को लाइव कवर कर रहे हैं, लेकिन अभी अभी हमें एक ब्रेकिंग न्यूज मिली है कि रंगे आजादी आंदोलन से जुड़े 3 स्टूडेंट इस वक्त इंटरनेट पर लाइव हैं, जो आज हमें कुछ कहना चाहते हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अगर अगले 2 घंटे में सरकार ने इस एडमिशन करप्शन रैकेट की जिम्मेदारी नहीं तय करी और इस करप्शन से हुए सारे एडमिशन रद्द नहीं किए गए, तो हम तीनों सबके सामने यही इसी लाइव चैनल पर अपनी जान दे देंगे। सुबोध भैया, रजिया अनवर, गोविंद मिश्रा, आदित्य त्रिपाठी, अमर रहे, अमर रहे। मैं ईश्वर सिंह, मैं जानकी सरकार, और मैं डेविड डिसूजा। रंगे आजादी, रंगे आजादी, रंगे आजादी। ओके ठीक है।
सर आप सही कह रहे थे, वो तीन स्टूडेंट्स ही हैं। उन तीनों स्टूडेंट के लोकेशन पता करो और उन्हें अरेस्ट करो। आई वॉन्ट देम सून। यस सर। कविता जी। जी सर। साइबर सेल में कॉन्टेक्ट करें, इस वेबकास्ट का आईपी एड्रेस चाहिए हमें। ये रखो, पूरे 10 लाख हैं। पन करो अपनी बकवास। आप मुझे खरीदना चाहते हैं? हर इंसान आप लोगों की तरह पैसों का गुलाम नहीं होता। और रही बात आंदोलन की, वो तो अब नहीं रुकेगा। और ये बात आप लोग जितना जल्दी समझ जाएं, उतना आप लोगों के लिए बेहतर है, वरना ऐसा ना हो कहीं देर हो जाए। देखो, तुम लोगों की जो मांगे हैं वो मेरे हाथ में नहीं है। इसके लिए सीएम साहब से आप लोगों को बात करनी होगी। ठीक है, करवाइए आप मेरी बात। यस सर। क्या हुआ, कुछ मालूम चला? सर जिस सिस्टम से लाइव स्ट्रीमिंग की गई है वो एक इंटरनेशनल आईपी एड्रेस की मदद से यूज किया जा रहा है। ये काम बहुत प्रोफेशनली हो रहा है ताकि हम उन तक पहुंच ना सके। कीप ट्राइंग, जैसे कुछ मालूम चले तो हमें बताइएगा। जी सर। पता नहीं आजकल के स्टूडेंट्स को क्या हो गया, गलत जगह दिमाग लगा रहे। हाँ नकवी साहब बोलिए। सर वो शूटर का पता चल गया, जिसने सुबोध को गोली मारी थी। शार्प शूटर दिलबाग का काम। वेल डन नकवी साहब, अब बस उसे कुछ होना नहीं चाहिए, जिंदा चाहिए वो हमें। जी जनाब। कविता जी। जी सर। वो सुबोध की डेड बॉडी के बाद जो विजिटिंग कार्ड मिला था वो दीजिए। यस सर। ये लीजिए सर। आईना। इसका मतलब सुबोध ही वो पब्लिशर है। एड्रेस एमजी रोड का दिया हुआ। हमारे पास टाइम बहुत कम है। पांडे जी गाड़ी तेज भगाइए। ओके ठीक है। क्या हुआ, कुछ मालूम चला? सब बैक ऑफिस सभी कॉलेजेस के डेटाबेस से कनेक्ट कर रही है उन तीनों स्टूडेंट्स के नाम और फोन नंबर ट्रेस करने के लिए, शायद उनसे कोई कांटेक्ट मिल सके। वो कॉलेज के स्टूडेंट्स ने 2 घंटे की बात कही थी, सिर्फ 2 घंटे। हमारे पास सिर्फ 30 मिनट है। और सुबोध के एमजी रोड का एड्रेस यहाँ से 40 मिनट की दूरी। थैंक यू जी, मैं सब कर दूंगी। सर शक्कर कितनी लेंगे आप? नो शुगर। एक्चुअली सर ना, मैं शुगर पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। इनफैक्ट मैं किसी चीज पे ही कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। आपके प्रांत के एजुकेशन मिनिस्टर ने मुझे खरीदने की कोशिश की थी। ये रखो, पूरे 10 लाख हैं। लेकिन मैं मानी नहीं। वो क्या है ना, मेरी सोच इतनी छोटी नहीं है, मुझे पैसे चाहिए ही नहीं। हाँ मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। क्या है? ये वो एविडेंसेस है जो सुबोध सबके सामने लाना चाहता था। मैं इनके सारे काले चिट्ठे खोलने वाला हूँ, इनकी सारी सच्चाई एक एक करके पूरा सामने आ जाएगा। ये एविडेंस में एजुकेशन मिनिस्टर और VC के पूरे करप्शन के कच्चा चिट्ठा है। लेकिन सर अगर ये एविडेंस सामने आया ना, तो आप भी इसके लपेटे में आ जाएंगे। अगर ऐसा है तो सच्चाई बाहर आ जाएगी। इस करप्शन के अगेंस्ट इंक्वायरी तो बिठा रखी है ना मैंने, जो जिम्मेदार होंगे उन्हें सजा मिलेगी। ये तो बहुत अच्छा है सर, लेकिन सर इससे मुझे क्या मिलेगा? स्टेट इलेक्शन में आपकी पार्टी से मुझे एक टिकट चाहिए। ये आज़ादी आंदोलन इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो एक सक्सेसफुल पॉलिटिकल करियर चाहिए। आप मेरी ये बात मान लीजिए सर, वरना पूरा देश देखेगा कि उन तीनों स्टूडेंट्स ने सुसाइड कैसे किया, वो भी लाइव। एक बात बताओ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम पॉलिटिशियन बन सकती हो? सर आप ये अभी भी मुझसे पूछ रहे हैं? सुबोध को मारने की सुपारी मैंने दी थी।
गोविंद और रजिया को मैंने मरवाया और उन दोनों को मारने वाले को मैंने खुद मारा है, आदित्य त्रिपाठी। तुम्हें लाइमलाइट में रहना बहुत पसंद है और तुम्हें राजनीति का भी बहुत शौक है, तो क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? सुबोध तो गया और ये आंदोलन भी उसी का था, और अब तुम भी ये जानते हो कि वो सही था, लेकिन यहाँ से एक रास्ता और भी जाता है। मैं सबके सामने मरने का ड्रामा करूँगी और ये देख के पुलिस ज़रूर मुझे बचाने आएगी और अरेस्ट करके भी ले जाएगी, लेकिन मेरे अरेस्ट होने के बाद ये आंदोलन का असर और दिखना चाहिए रंगे आज़ादी के नाम पे, और स्टूडेंट को जान देनी होगी। पर तुम्हें क्यों लगता है कि सारे स्टूडेंट्स अपनी जान देंगे? इतना आसान है कि जान देना? यहीं से तो तुम्हारा काम शुरू होता है। स्टूडेंट अपनी जान खुद नहीं देंगे, उनकी जान तुम लोगे। आज देश का एक एक स्टूडेंट मेरे साथ खड़ा है और अब फिर भी पूछ रहे हैं कि मैं इस सीट के काबिल हूँ कि नहीं। इलेक्शन की टिकट तो मैं तुम्हें नहीं देने वाला। ठीक है, फिर अगले 20 मिनट में 3 और स्टूडेंट आत्महत्या करेंगे और इस आत्महत्या से आपकी पार्टी इतने नीचे गिर जाएगी ना कि फिर ऊपर उठ ही नहीं पाएगी। सर मेरी बात मान लीजिए, एक पॉलिटिकल एडवाइस है मेरी तरफ से आपको। हमारी भी एक एडवाइस ले लीजिए दुर्गा जी, चुपचाप सरेंडर कर दीजिए और अपना ड्रामा कीजिए खत्म। जैन सर, इसको तो पहचान रही होंगी आप, इसी को सुपारी दी थी ना आपने सुबोध को मरवाने के लिए। सब उगल दिया इसने। जिस वक्त आपका नाम आया ना, उसी वक्त हमें मालूम चल गया था कि आपका मोटिव है क्या। आपको ढूंढना मुश्किल था, लेकिन आपने खुद ही हमारी मुश्किल सॉल्व कर दी। वाइस चांसलर पे हमें पहले से शक था, इसलिए हमने अपनी एक टीम उनके पीछे लगा दी। जब आप आज उनसे मिलने उनके घर गई तो हमारा शक आप पे भी गया, और आपके यहाँ पहुँचने से पहले हमने CM साहब को सब इन्फॉर्म कर दिया था, आपका सारा कच्चा चिट्ठा सुना दिया था, और CM साहब ने हम पर ट्रस्ट किया। सुबोध के मरने के बाद हम उन एविडेंसेस को ढूंढ रहे थे वो जो सबके सामने लाना चाहता था, लेकिन वो हमें मिले नहीं। वो एविडेंसेस दरअसल उसके पास थे ही नहीं, कोई फ्रेंड के थ्रू उसके पास पहुंचने वाले थे। और ये बात तो आप जानती हैं कि वो फ्रेंड कौन है। क्यों दुर्गा जी? आप हैं वो फ्रेंड। बड़े ही शातिर तरीके से आपने फ्रेंड बनके सुबोध को फोन किया और उसको एविडेंसेस देने की बात कही, और एविडेंस देने से पहले ही उसको मरवा दिया ताकि पुलिस को और पूरी दुनिया को यही लगता रहे कि मौत एविडेंस की वजह से हुई है। और फिर आपने सुबोध की जगह ली और इस रंगे आज़ादी की आड़ में स्टूडेंट्स को भड़काना शुरू किया, मारना शुरू किया। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है। ऐसे में कोर्ट में ड्रामा करूंगी, कैसे साबित करोगे कि ये सब मैंने किया है? साबित तो कर ही लेंगे हम दुर्गा जी। फिलहाल आपने जो इकबालिया बयान दिया है ना, वो काफी आपको अरेस्ट करने के लिए। बयान? मैंने कौन सा बयान दिया है और किसने सुना ये बयान? सबने। जो भी आपने यहाँ कहा है वो ना सिर्फ हम बल्कि पूरा देश सुन रहा है और देख रहा है। क्या सोच रही हैं आप, ये सब कैसे हुआ? नकवी साहब जी। जनाब दिखाइए जरा इन्हें। देखिए जरा गौर से देखिए दुर्गा जी। सुबोध के मर्डर की सुपारी मैंने दी थी और गोविंद और रजिया को भी मैंने मरवाया था। अरे कहाँ जा रही, बैठिए बैठिए बैठिए। जरा अपनी आंखों के सामने इस केतली को देखिए, कुछ दिख रहा है आपको यहाँ आसपास? लाइव हैं आप। अभी जो आपने अपनी करतूतों का खुलासा किया है ना, ये सिर्फ हमारे सामने नहीं किया है, पूरे देश के सामने किया है। और एक और बात बताएं आपको, वो जो आपके 3 स्टूडेंट हैं ना, जो आपके कहने पे आत्महत्या करने को तैयार हो गए थे, इमोशनल हो गए, वो भी देख रहे हैं आपका पूरा सच उनके सामने आ गया है। रखवी साहब ये भी देख लीजिए दुर्गा जी। आइए प्रेरणा जी, आइए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी मदद की। इनको तो पहचान रही होंगी आप। बीजी न्यूज की रिपोर्टर। बस आज भर की रात आप इस खुले आसमान के नीचे बिताइए, कल से तो जेल की सलाखों के पीछे काटिएगा जिंदगी। विरोध करना हमारा हक है और हमारे देश का संविधान भी हमें इसकी इजाजत देता है। अगर विरोध ना होता तो कभी शायद हम अंग्रेजों से आजाद नहीं हुए होते। विरोध के दौरान देश और समाज के हितों का ख्याल रखना भी जरूरी है, लेकिन समाज को गुमराह कर
अपने हितों को सर्वोपरि समझ देश में अशांति फैलाना सिर्फ और सिर्फ गलत है। इसीलिए हमें रोकना है खुद को, समझाना है अपनों को और साथ देना है कानून का, तभी हम और आप मिलकर करेंगे इंडिया को सावधान। सावधान इंडिया। जय हिंद।